हरे कृष्णा। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक चर्चा किए थे, फिर से शाम का समय कुछ रोज थोड़ा रीडिंग करने का प्लान बनाया है। भगवद गीता तो हो गया था, बीच से हम थोड़ा भागवत भागवत से थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रीमद भागवतम, भगवद गीता और श्रीमद भागवतम दो अलग अलग ग्रंथ है। भगवद गीता में 700 श्लोक है, श्रीमद भागवतम में 18,000 श्लोक है। और भगवद गीता में दोनों प्रश्न उत्तर है। ये प्रश्न अर्जुन के बीच में है, ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का। तो भगवत गीता के अंदर मेनली थ्योरी है और श्रीमद् भागवत के अंदर प्रैक्टिकल है। अंदर भगवान ने उसमें केवल उपदेश दिए है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसमें भगवान ने बताया अपने भक्तों की विशेषताएं कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, और अलग अलग बहुत कुछ बताया भगवान ने। भगवत गीता में शरणागति के बारे में बताया था, सरेंडर करना चाहिए। तो इस तरह भगवान ने बहुत कुछ बताया भाग श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन उसके उदाहरण नहीं बताए। तो श्रीमद् भागवतम इसके अंदर उदाहरण है। भगवान ने गीता में बताया कि मन मनाभाव मत भक्तो, मद्यादि मान नमस्, ऐसे मेरे भक्त बनो, उसका उसकी थ्योरी दी। लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं, किस तरह उनका स्वभाव होता है, किस तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसे उनका लाइफ है, ये सब किसके अंदर मिलता है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अलग अलग भक्तों का लाइफ हिस्ट्री पूरा दिया है, किस तरह उन्होंने भगवान के साथ उनका पास टाइम रहा, भगवान से जुड़ी हुई लीलाएं, ये सब भागवतम में आता है। तो भागवतम को पढ़ने से और ज्यादा तो बोलते हैं कि ये पका हुआ फल है। एक फल होता है कच्चा, दूसरा फल है पका हुआ। तो पका हुआ फल खाने से ज्यादा मीठा लगता है, स्वाद आता है उसमें। तो ये तीसरा श्लोक है भागवतम का, निगम कल्प करो गलितम फलम। ये सारे वैदिक उपनिषद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निचोड़ है सब कुछ, फल मतलब पूरे वृक्ष का सार निकल के आता है, और वो भी जब पक जाता है मीठा हो जाता है, सार है। और वो फल को जब तोता सुख मुखाद अमृत द्रवतम, तोता जब उसको टच कर देता है और मीठा हो जाता है। तो इस तरह वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, ये पूरा रस से भरा हुआ है। भागवतम में को हम पूरा हमेशा पढ़ सकते हैं, रस मिलेगा उसको पढ़ने में, आनंद आएगा और भक्ति भी बढ़ेगी। जब इस तरह भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, तो गीता में भगवान ने अपने बारे में बताया अर्जुन से। तो जब भगवान अपने बारे में बताएंगे तो ज्यादा नहीं बता सकता व्यक्ति अपने बारे में, अपनी प्रशंसा ज्यादा कर सकता है, नहीं कर सकता। भगवान अपनी प्रशंसा ज्यादा थोड़ी करेंगे। तो भगवान ने थोड़ा थोड़ा बताया अर्जुन को, मैं भगवान हूँ, मेरे बारे में चिंतन तो मेरे शरणागत हो, इस तरह बताया। तो भगवान अपने बारे में इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, विशेष रूप से भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति जिन्होंने की है, इस तरह भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान के बारे में और डिटेल बता रहे हैं। तो वो सब किसके अंदर है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अलग अलग भक्तों के बारे में वर्णन है, और कैसे उन्होंने भक्ति करी, कैसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, ये सब वर्णन है। और वो भगवान के बारे में, भक्त भगवान के बारे में और डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन, तो ये सब हमें भागवतम में मिलता है। तो हम आज से भागवत पढ़ने का होते हैं, देखते हैं कितनी बार होता है, हमेशा प्लान करते हैं और कुछ समय चलता है फिर रुक जाता है, फिर से शुरू कर रहे हैं भागवत पढ़ने का। तो
थोड़ा छोटा सा भागवत का एक समरी लेने के बाद फिर हम कैंटो वन से शुरू करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। ये पूरे 12 स्कंद को बोलते हैं कि भगवान का साहित्य का अवतार, भगवान स्वयं है 12 स्कंद। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल है, उसके बाद 2 स्कंद भगवान के पैर हैं, इस पर अलग अलग स्कंद, 5 और 1 स्कंद भगवान का पेट, 2 स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। दशम स्कंद जो है जिसमें भगवान कृष्ण का चरित्र आता है, वो भगवान का मुख है, सुंदर मुख है। इस तरह एक उनका फोरहेड है, एक मुकुट है। इस तरह पूरा 12 स्कंद ये भगवान का साहित्यिक अवतार है जो श्रीमद् भागवतम। तो पहले 2 स्कंद, पहले स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषि और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि, इनके बीच में वार्तालाप होती है। सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों के बीच उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड है, किस तरह ये भागवत का चर्चा हुआ। शुरू में उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे, तो 6 प्रश्न के उत्तर 3 अध्याय भागवत के पहले 3 अध्याय में। उसके बाद और कुछ प्रश्न पूछे उसके के बारे में, पहला इस तरह पूरा प्रथम स्कंद। पूरा प्रथम स्कंद आप पढ़ेंगे तो उसमें मेनली लगेगा कि महाभारत ही चल रहा है। कुंती देवी की प्रार्थना है, धृतराष्ट्र के बारे में है, भीष्म देव की प्रार्थना है, परीक्षित महाराज का है, ये पूरा इन्हीं के बारे में वर्णन लग रहा है कि महाभारत चल रहा तो ये पूरा प्रथम स्कंद में आता है। और प्रथम स्कंद में पूरी भूमिका है सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, युधिष्ठिर महाराज, फिर किस तरह कलयुग को देखा गया, कलयुग आया, फिर किस तरह कलयुग की एंट्री हुई, ये सब प्रथम स्कंद में आता है। फिर कलयुग की एंट्री होते 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 फिर परीक्षित महाराज के बारे में आता है। परीक्षित महाराज का जन्म होता है, उनके गुणों का वर्णन होता है, फिर परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है, ये सब प्रथम स्कंद में आता है। तो प्रथम स्कंद के आखिरी तक फिर परीक्षित महाराज को श्राप मिल जाता है, गंगा किनारे जाके बैठ जाते हैं, और फिर दूसरा स्कंद वहां से शुरू होता है। दूसरा स्कंद शुरू होता है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पिक्चर में आते हैं। सुखदेव गोस्वामी आते हैं और परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनाना शुरू करते हैं। दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज को और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वर्णन है, और शुरू शुरू में उनको इंस्पायर करते हैं, भक्ति के बारे में थोड़ा बताते हैं, मोटिवेट करते हैं परीक्षित महाराज को कि आपके पास तो 7 दिन है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 7 दिन में भगवान का चिंतन करिए। इस तरह वो उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। तो द्वितीय स्कंद में आता है। उसके बाद में सर्ग विसर्ग, ब्रह्मा जी और नारद मुनि, तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, जो पूरा श्रीमद् भागवतम है इसके अंदर अलग अलग स्टोरी है। इन्होंने प्रश्न उत्तर चल रहे हैं हर जगह। तो यहाँ पे ऊपर में नैमिषारण्य और शौनक आदि के ऋषि के बीच में प्रश्न चल रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की स्टोरी आती है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के जब प्रश्न उत्तर चल रहा था उसमें उसके बीच में वो एक प्रश्न पूछते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तो आपने जो प्रश्न पूछा है सही प्रश्न, एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था तो उसको मैं वहां से उत्तर देता हूँ। तो वहां से उत्तर देने से क्या शुरू हो जाता है, बीच में नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में चर्चा शुरू हो जाता है। तो 4 से 7 नंबर श्लोक, 4, 5, 6, 7 सर्ग विसर्ग, थोड़ा क्रिएशन के बारे में है दूसरे स्कंद में, तो ये सब शुरू होता है। फिर आखिरी आखिरी में फिर से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को इस तरह भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान के श्रवण कथा श्रवण के महिमा बताते हैं और इंस्पायर करते हैं उनको। परीक्षित महाराज 21 प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं सुखदेव गोस्वामी से। इस तरह जो 21 प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि इसी तरह का प्रश्न एक बार कुछ प्रश्नों का उत्तर तो वो ब्रह्मा जी और नारद मुनि भगवान के चर्चा से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, फिर बोलते हैं कि बाकी प्रश्न आपने जो पूछे हैं ऐसे ही प्रश्न, एक प्रश्न एक बार विदुर और मैत्रेय के बीच में हुए थे। विदुर मैत्रेय के बीच में जब चर्चा चल रहा था तो मैत्रेय मुनि ने विदुर ने मैत्रेय से मुनि से इसी तरह के प्रश्न, तो
बोले बाकी प्रश्नों का उत्तर उस वहां से देता हूँ। तो फिर ये सुखदेव गोस्वामी विदुर और मैत्रेय संवाद के बारे में बताते थे। तीसरे स्कंद से विदुर और मैत्रेय संवाद शुरू होता है। उद्धव के बारे में स्टोरी आती है, उद्धव किस तरह उद्धव विदुर से मिलते हैं, दोनों के बीच में चर्चा होती है। फिर उद्धव विदुर को बोलते हैं कि मैत्री मुनि के पास जाओ, वो आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्योंकि तो उद्धव और मैत्री मुनि दोनों जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत से अप्रकट हो रहे थे, तो अच्छा भगवान उद्धव भगवान से मिले थे। उद्धव ने भगवान से बोला कि भगवान, मुझे लग रहा है कि आप तो जाने वाले हैं भौतिक जगत से, आप, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अच्छा भगवान ने पहले ही सारे द्वारका वासियों को सचेत कर दिया था। तो भगवान ने उद्धव से बोला, नहीं नहीं तुम्हें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, तुम डिटैच हो जाओ सब कुछ से। तो उद्धव ने बोला, नहीं आप कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो उद्धव ने बहुत सारे प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने उसके उत्तर दिए। तो ये उद्धव गीता, वो जो भगवान कृष्ण ने अंतिम समय में भौतिक जगत से अप्रकट होने से पहले उद्धव को कुछ संदेश दिए थे, उसको उद्धव गीता बोलते हैं। वो श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद में आता है। 11वें स्कंद के 20-22-23 इस तरह के चैप्टर है, बहुत सारे अध्याय 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत है। तो उद्धव विदुर से जब मिलते हैं, तो विदुर बोलते हैं कि विदुर से पता उद्धव से पता चलता है विदुर को कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और फिर वो बोलते हैं कि विदुर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं उद्धव से। तो उद्धव जूनियर है और विदुर सीनियर है, तो उद्धव तो विदुर तो उनके काका के समान है। तो उद्धव बोलते हैं कि आपने तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, लेकिन मैं जूनियर हूँ, इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर मैत्री मुनि देंगे तो अच्छा है। मैत्री मुनि भी उधर पास में ही थे, और बोला कि भगवान कृष्ण जब ये संदेश दे रहे थे हमें, तो भगवान कृष्ण जब उद्धव को ये संदेश दे रहे थे, भगवान कृष्ण ने उद्धव से बोला था कि तुम जब जंगल में जाओगे तो उस समय आपको विदुर मिलेंगे, और मैंने जो संदेश दिया विदुर को सुनाना। तो उद्धव ने बताया था कि भगवान आपको याद किए थे अंतिम समय में। तो विदुर बहुत खुश हुए, अरे भगवान ने मुझे याद किया। और भी प्रश्न थे, तो उन्हें बोला कि ठीक है बाकी प्रश्नों का उत्तर मैत्री मुनि देंगे। तो विदुर और मैत्री के बीच में कुछ चर्चा होती है। तो विदुर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं मैत्री मुनि से। तो श्रीमद भागवतम का तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, जो दो तीन स्कंद है, तृतीय स्कंद चौथा स्कंद, ये विदुर और मैत्रेय संवाद है। विदुर और मैत्रेय के बीच में जो चर्चा होता है, तो सर्ग मतलब क्रिएशन के बारे में, फिर सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में, और उसी के बीच में वराह देव की लीला आती है, कर्दम मुनि का पास टाइम आता है, कपिल कपिल देव का पास टाइम, कपिल देव की शिक्षाएं, बहुत बड़ा है। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद भागवतम के दो बड़े बड़े स्कंद हैं। तीसरे स्कंद में हम देखते हैं 31 अध्याय, और चौथे स्कंद में भी 31 अध्याय है। तो बहुत बड़े बड़े स्कंद है, और पूरा विदुर और मैत्रेय के बीच का चर्चा है। विदुर और मैत्रेय के बीच का जो संवाद आता है वो पूरा तृतीय स्कंद में आता है। तो इसमें कर्दम मुनि भगवान का एक अवतार है कपिल देव, कपिल देव के बारे में डिटेल में है। उनके माता थे, पिताजी थे कर्दम मुनि, माता देवहूति, और कपिल देव अपनी माता को शिक्षा देते हैं देवहूति को, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, इतने सारे अध्यायों में कपिल देव की शिक्षाएं हैं। तो उस तरह स्वयंभू मनु के बारे में आते हैं, उनके दो पुत्र थे, तीन पुत्रिया थी, और उनके फिर उत्तानपाद और देवहूति प्रियव्रत दो पुत्र थे। उत्तानपाद के जनरेशन के बारे में आता है, तो उसमें ध्रुव महाराज की कहानी आती है। तो ध्रुव महाराज की कहानी, और फिर प्रियव्रत, प्रियव्रत के डिसेंडेंट के बारे में आता है। तो चौथा स्कंद शुरुआत होता है उत्तानपाद के, उससे मनु की डॉटर्स के बारे में, फिर आगे चल के उत्तानपाद के डिसेंडेंट। तो मनु, स्वयंभू मनु और देव होती, ये पहले स्त्री पुरुष थे ब्रह्मा जी ने जो क्रिएट किए थे। आपूति प्रसूति देवकी तीन पुत्री थी, उत्तानपाद प्रियव्रत दो पुत्र थे, और उनके द्वारा फिर आगे का जनरेशन हुआ। तो दक्ष चौथा स्कंद के शुरुआत में ही शिव जी और दक्ष के बीच का जो पूरा लीला आता है वो है। 7 अध्याय, 6 अध्याय शुरू हुए इस तरह। पार्वती देवी जो पहले सती थी, सती देवी, सती दक्ष की पुत्री थी, शिव जी से उसका विवाह होता है। फिर सती अपने दक्ष और शिव जी के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है, सती
सती फिर अपने मायके जाती है, वो देखती है शिव जी को आमंत्रित नहीं किया है, वो अपना प्राण त्याग देती है। फिर शिव जी गुस्सा हो जाते हैं, वो एक वीरभद्र राक्षस को जनरेट करते हैं। वीरभद्र जाके दक्ष का पूरा यज्ञ तहस नहस कर देते हैं, दक्ष का सिर काट देते हैं। फिर शिव जी फिर सारे देवी देवता आते हैं, तो शिव जी से प्रार्थना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। फिर शिव जी को लेके आते हैं उसी जगह पर, शिव जी दक्ष के कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगा देते हैं, फिर से उसको पुनर्जीवित कर देते हैं दक्ष को, लेकिन उसका भी सिर बकरे का हो जाता है। फिर वो यज्ञ पूरा करता है, और आगे चल के फिर उत्तानपाद के जनरेशन में ध्रुव महाराज की स्टोरी आती है। ध्रुव महाराज का स्टोरी बहुत डिटेल में है, और ध्रुव महाराज के फिर और भी वंशज, पूरा वंश परंपरा, पुरंजन का स्टोरी आता है बहुत सारे अध्याय में। तो पुरंजन का स्टोरी और ध्रुव महाराज का पूरा वंश परंपरा सब चौथे स्तंभ में है। फिर उत्तानपाद के दूसरे भाई थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के बारे में पांचवें स्कंद के शुरुआत में प्रियव्रत के बारे में आता है। प्रियव्रत और उस प्रियव्रत के बारे में, प्रियव्रत का पूरा परंपरा, उसमें ऋषभ देव आते हैं, भगवान ऋषभ देव के बारे में आता है। जड़ भरत, भरत महाराज के बारे में आते हैं। फिर भरत महाराज हिरण का ध्यान करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो हिरण बन जाते हैं। फिर हिरण के बाद फिर उनका जड़ भरत के रूप में जन्म होता है, तीन जन्म होते हैं भरत महाराज के, तो पूरा स्टोरी आता है। ये सब भरत महाराज, ऋषभ देव, सब प्रियव्रत के डिसेंडेंट, ये सब पांचवें स्कंद में आता है। और इसी तरह प्रियव्रत के अलग अलग पुत्र थे, वो पूरे भूमंडल को डिवाइड कर देते अलग अलग पुत्रों में। तो फिर भूमंडल का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जो जियोग्राफी है, सब पांचवें स्कंद में आता है। फिर इसको स्थान यहाँ पे बताते हैं। पांचवें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड का जियोग्राफी है कि कहाँ पर कैसे हैं, कितने अलग अलग लोग हैं, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, नरक कहाँ है, कौन सा लोग कहाँ है, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, सूर्य कैसे अपनी स्तर पर भ्रमण कर रहा है, ध्रुव लोक, गंगा के बारे में, और सारा पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है। अभी जो मायापुर में TOVP मंदिर बन रहा है, वो इसी तरह श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के ऊपर है। जियोग्राफी है पूरी यूनिवर्स की, उसको आधार करके वो बन रहा है। तो पांचवें स्कंद के आखिरी आखिरी में नरक का वर्णन आता है, नरक का वर्णन। और फिर छठा स्कंद शुरू होता है, क्योंकि नरक का वर्णन आता है तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि नरक के लोगों का कैसे उद्धार होगा, कैसे नरक के लोगों का उद्धार होगा। तो छठे स्कंद के शुरुआत में भगवान अजामिल की स्टोरी बताते हैं कि कैसे अजामिल का उद्धार हुआ। पाप के कारण नरक जाने वाला था, लेकिन नरक नहीं गया, उसके सारे पाप कट गए। तो अजामिल की स्टोरी आती है छठे स्कंद। फिर और चल के इंद्र चित्रकेतु के बारे में पूरा वर्णन आता है। वृत्तासुर की स्टोरी आती है, तो अजामिल की स्टोरी आती है। फिर दक्ष के स्तन वृत्तासुर के का पूरा पास्ट टाइम, चित्र केतु जिनके बहुत सारे रानियां थे लेकिन कभी तो पुत्र नहीं था, तो बहुत दुखी थे। बाद में नारद मुनि और अंगिर ऋषि उनके पुत्र देते हैं, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, रानियां उनको जहर खिला के मार देती है। फिर से ये चित्र केतु बहुत भगवान के बड़े भक्त बन जाते हैं। फिर पार्वती देवी एक बार उनको श्राप दे देती है, उसके श्राप के कारण ये चित्र केतु वृत्तासुर असुर बन जाते हैं। तो ये छठे स्कंद में पूरा स्टोरी है। फिर सातवां स्कंद है, ये पूरा प्रहलाद महाराज के ऊपर आधारित है। शुरू से ही लेके पूरा सातवां स्कंद पूरा प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और जय विजय, इनका पूरा स्टोरी सब कुछ लेके, और जय विजय ये करके पूरा सातवां स्कंद प्रहलाद महाराज के स्थिति पर आधारित है। तो पांचवें पार्ट हिरण्यकशिपु के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में डिटेल में आता है इसमें, और कैसे उन्होंने कवध किया, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो
कृष्णा। तो जस्ट तो सातवां स्कंद पूरा प्रहलाद महाराज के ऊपर है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना हिरण्यकशिपु, और किस तरह प्रहलाद महाराज जब पाठशाला में थे, बाकी असुरों बालकों को उन्होंने प्रचार किया, ये सब इसी के अंदर आता है सातवें स्कंद। इसके बाद आठवां स्कंद है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष लीला है, समुद्र मंथन लीला है, अलग अलग वामन देव का लीला है, अलग अलग पास टाइम है आठवें स्कंद में। नवा स्कंद है, इसका नाम है ईशानु कथा। इसमें दो डायनेस्टी के बारे में, दो डायनेस्टी है, सूर्य डायनेस्टी और मून डायनेस्टी, दो क्षत्रिय वंश परंपरा है, सूर्य और चंद्र, तो दोनों के बारे में वर्णन है, और दोनों के अलग अलग डिसेंडेंट्स जो, और अलग अलग डिसेंडेंट्स के बाद जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में है। अम्बरीश महाराज का स्टोरी आता है, भगवान रामचंद्र के बारे में आता है, रघुकुल में आता है, रघुकुल सूर्य वंश में, फिर चंद्रवंश का वर्णन आता है, चंद्रवर्ष में परशुराम, पुरु डायनेस्टी, ययाति, बहुत सारा डिटेल्स में आता है। फिर चंद्रवंश के बारे में आखिरी आखिरी में भगवान कृष्णचंद्र के बारे में भी थोड़ा बहुत सुनाते हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में जो शॉर्ट में बता देते हैं परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान कृष्ण के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान परीक्षित महाराज का भगवान कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। वो जानते हैं बचपन से, जब माँ के गर्भ में थे तभी पुत्रा के गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी, उन्होंने दर्शन हुए थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भगवान कृष्ण के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज डिटेल में बताने लगे, और भगवान के बारे में जब बताते थे, सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते थे, और बताते थे, फिर प्रश्न पूछते थे, बताते थे प्रश्न पूछते, इस तरह प्रश्न उत्तर चल रहा था, और चलते चलते भगवान कृष्ण का लीला बहुत डिटेल में पहुंच गया। एक एक जो भी कुछ बताते थे उसके बारे में प्रश्न उत्तर करके, तो भगवान जो दसम स्कंद है श्रीमद भागवतम का, ये बहुत डिटेल में है, उसके अंदर 90 अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय चैप्टर है, और दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं हैं, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर, सारी लीला डिटेल में, तो ये दसम स्कंद के अंतर्गत है। फिर 11 स्कंद जो मैं जिसे बताया था, निमि नव योगेंद्र डिस्कशन है, और है उद्धव गीता, 7 से लेके 29 नंबर श्लोक उद्धव गीता। भगवान कृष्ण ने उद्धव को जो संदेश दिया था जब वो भौतिक जगत से प्रकट होने वाले थे, जाने से पहले उन्होंने उद्धव को उद्धव गीता बहुत डिटेल में ज्ञान दिया, उद्धव गीता संदेश है, वो 11वें स्कंद में आता है। 11वें स्कंद के बाद 12वां स्कंद है, तो 12वें स्कंद में डिटेल में आता है धर्म के बारे में, कलयुग के बारे में, किस तरह अलग अलग एनिहिलेशन होता है, परीक्षित महाराज किस तरह प्रकट हुए, और इसमें धर्म इन कलयुग, कलयुग में किस तरह के लोग रहेंगे, क्या उनका किस तरह कलयुग के लोगों का मानसिकता रहेगा, किस तरह उनका, तो कलयुग के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है। आजकल तो आज अभी के युग में जो हो रहा है, आगे जो होने वाला है, आज से 5,000 साल पहले ही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया था किस तरह के लोग होंगे, उम्र कम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, फैशन रखने लगे, बालों की फैशन हो जाएगी, बहुत कुछ प्रेडिक्शन पहले ही दे दिया था, जो अभी हो रहा है और आगे और होने वाला है। तो ये सब 12 स्कंद है, ये श्रीमद् भागवतम में है, तो पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कल से कुछ कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना भी हो पाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, जी जय।